सोनाक्षी सिन्हा की पूरे मंत्रोच्चारण के साथ शादी भी हुई। जी हाँ, अब एक लेटेस्ट वीडियो आया है जिसमें ये दिख रहा है कि पंडित जो है मंत्र पढ़ रहे हैं और शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा जो है अपनी बेटी का कन्यादान कर रहे हैं। कल हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, लेकिन अब एक पूरा वीडियो आ गया है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बेटी की शादी के लिए माने, लेकिन उन्होंने ये शर्त भी रखी कि बाकायदा वो कन्यादान करेंगे और हिंदू रीति रिवाज से भी शादी होगी। तो जहाँ पर रजिस्टर्ड मैरिज हुई वहीं पर हिंदू रीति रिवाज से भी शादी हुई, जहाँ शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बेटी का कन्यादान किया वहीं सोनाक्षी और जहीर हाथ जोड़े नज़र आ रहे हैं। पंडित जो है मंत्रोच्चार कर रहे हैं और इसके बाद जो है उन्होंने कन्यादान किया। कहा जा रहा है कि जहीर इकबाल ने सोनाक्षी को सिंदूर भी लगाया, जो कि हिंदू रीति रिवाज से जो शादी होती है उसका सबसे अहम हिस्सा होता है। तो ये भी हुआ, पहले ये कहा जा रहा था कि शादी में जो है सात फेरे नहीं होंगे, पंडित नहीं आएगा, ना ही मौलवी आएंगे, लेकिन सोनाक्षी की शादी में पंडित जी आए थे और उन्होंने बाकायदा जो है मंत्रोच्चारण के बाद ये शादी करवाई है। और ऐसा माना जा रहा है कि घर में ही हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई है, जहां सोनाक्षी सिन्हा और जहीर भी है मतलब हाथ जोड़े बैठे हुए हैं। वहीं जहीर इकबाल के पापा भी वहीं बैठे नज़र आए, शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा भी वहाँ दिख रहे हैं। आप ये देख सकते हैं वीडियो। आपको बताएं, शत्रुघ्न सिन्हा जो हैं बिहार के रहने वाले हैं और बिहार में जब भी किसी बेटी की शादी होती है तो कन्यादान जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिचुअल होता है, और ये शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा ने निभाया। उन्होंने अपनी बेटी का बाकायदा कन्यादान किया, भले ही सोनाक्षी और जहीर ने रजिस्टर्ड मैरिज की। वैसे भी जब भी कोई दो अलग अलग धर्म के लोग शादी करते हैं तो उनको जो है स्पेशल मैरिज एक्ट से शादी करनी होती है, जिसमें दोनों धर्म के लोग जो हैं अपने अपने धर्म का पालन करने के लिए आज़ाद होते हैं। उनकी शादी में कोई भी धर्म के हिसाब से तलाक नहीं होता, यानी मतलब कि तीन तलाक नहीं हो सकता, उसमें किसी की तलाक बोल देने से तलाक नहीं हो जाएगा, ये तलाक भी होगा तो लीगल होगा। तो इसी वजह से जो है दोनों के बीच रजिस्टर्ड मैरिज हुई, जिसके बाद एक वीडियो भी अभी आज आया था जिसमें सोनाक्षी खुशी से कूद रही थी। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा जो है थोड़े दुखी भी दिख रहे थे। तो दो तरह के वीडियो हैं, एक तरफ जो है शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बेटी की हिंदू रीति रिवाज से शादी करवा रहे हैं, वहीं रजिस्टर्ड मैरिज के बाद जब सोनाक्षी खुशी से कूद रही थी तब शत्रुघ्न सिन्हा जो हैं थोड़े दुखी दिखाई दे रहे थे। वहीं जहीर इकबाल जब भी सोनाक्षी के मम्मी पापा से मिलते हैं वो उनका पैर छूते हैं, क्योंकि ये भी एक जो है हिंदू परिवार में बहुत अहम चीज़ मानी जाती है कि जो छोटे होते हैं वो बड़ों का पैर छूकर उनको सम्मान देते हैं। वहीं पूनम सिन्हा ने शादी के दौरान अपने दामाद को तिलक भी लगाया और पूरे हिंदू रीति रिवाज से सोनाक्षी सिन्हा के बांद्रा वाले घर में ही ये शादी हुई। आप देख सकते हैं सोनाक्षी का ये सोफ़ा, यहाँ वो बैठे हुए हैं और वहाँ जो है परिवार के दूसरे लोग भी हैं और करीबी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, और इन सब के बीच जो है शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी और जहीर इकबाल की शादी हो रही है। और जहीर इकबाल और सोनाक्षी की शादी हिंदू रीति रिवाज से भी हुई है और इसी वजह से सोनाक्षी अपने वेडिंग रिसेप्शन में सिंदूर लगाए आई। उनके हाथों में आलता था, उन्होंने लाल बनारसी साड़ी पहन रखी थी और उनके लुक को देखकर साफ लग रहा था कि भले ही सोनाक्षी की शादी मुस्लिम परिवार में हुई लेकिन वो हमेशा अपने हिंदू धर्म का ही पालन करेंगी। वहीं सोनाक्षी और जहीर की शादी से पहले रामायण में भी पूजा रखी गई, खुद सोनाक्षी उस पूजा में शामिल हुई, परिवार के सभी लोग वहाँ गए। सोनाक्षी के घर रामायण में जो है नीचे वाले फ्लोर पे एक मंदिर है, उसी मंदिर में पूजा रखी गई, चार पांच पंडित आए थे, परिवार के सभी लोग जुटे थे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिचुअल होता है, जब भी किसी हिंदू परिवार में शादी होती है तो वर वधु की शादी बहुत अच्छी तरह से चले इसके लिए परिवार में पूजा रखी जाती है। और सोनाक्षी के माता पिता जब मान गए तो उन्होंने ये शर्त रखी कि पहले पूजा होगी और शादी जो है हिंदू रीति रिवाज के भी कुछ रिचुअल्स होंगे, और फिर जो है उस शादी में शामिल हुए। हालांकि बेटी की शादी में शामिल हो करके भी जब सोनाक्षी ने रजिस्टर्ड मैरिज की तो शत्रुघ्न सिन्हा थोड़े दुखी दिखे। हालांकि वो चाहते थे कि अपनी बेटी की शादी को लेकर उनके बहुत सारे अरमान थे, लेकिन ये शादी उतने धूमधाम से नहीं हो पाई जितने धूमधाम से शत्रुघ्न सिन्हा चाहते थे। हालांकि फिर भी वो खुश हैं, उनका ये कहना है कि उनकी बेटी को बहुत ट्रोल किया जा रहा है, जो कि गलत है। सोनाक्षी ने कोई असंवैधानिक काम नहीं किया है, कोई इलीगल काम नहीं किया है, उन्होंने बस अपनी मर्जी से शादी की है और ये उनका हक है।